हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री श्याम। तो गाइस, सुबह के बज गए 8:30 और मैं अभी अभी खाना खा के आई हूँ निशा के पास। और ये देखिए कहाँ चढ़ा हुआ है। जाओ बाहर खेल लो। तो गाइस, निशा बना रही है खाना। तो गाइस, अभी अभी आया एक पार्सल, तो देखते हैं उसमें क्या है और किसने भेजा। निशा जल्दी आ, जल्दी आ, देख के आया मेरा फोन किसने भेजा है, जल्दी आ। ओह माय गॉड, इतना बड़ा। अब आया है ये बॉक्स जो थोड़ी देर पहले आया था, पर हमने अनबॉक्स नहीं किया, तो हमने सोचा कि ना तो के थोड़ा काम वगैरह करके फिर अनबॉक्स करेंगे। तो गाइस, बच्चे वेट कर रहे हैं कि मम्मी इसको अनबॉक्स करो जल्दी। और ये गाइस किसके लिए आया है और किसने भेजा है, ये हम आपको अनबॉक्सिंग करने के बाद बताएंगे। तो गाइस, बहुत भारी है, तो देखते हैं गाइस इसके अंदर क्या है। तो गाइस, अब इसको अनबॉक्स करते हैं। चक्कू ले आओ, या फोन जोर से कर, फाड़ के देखो। फाड़ गया तनिष, रुको रुको, इसको ऐसे करने दो। तो गाइस, डब्बे के अंदर दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या है। खजाना अब निकलने वाला है, खुल जा सिम सिम, खुल गया है यह तुम देखोगा। तो आप समझ जाइए गाइस, ये देखिए हम आपको एक एक पार्ट्स निकाल के दिखाएंगे। तो गाइस, ये अलग अलग पार्ट्स निकल रहे हैं, हमें तो नहीं पता है, असेंबल करनी पड़ेगी। ये गाइस इसकी सीट, कंफर्टेबल सीट, चलो निकाल के रखो सारे। मम्मी इसको हैंडल को ऊपर नीचे कर सकते हैं या तू के हिसाब से। तो गाइस, सारी चीजें, सारे पार्ट्स निकल चुके हैं, अब आपको ये जोड़ के दिखाएंगे कि क्या है। चलो भाई, एक एक पार्ट्स किस में ज्यादा दिमाग है देखते हैं, और अब जोड़ना स्टार्ट कर दो। मम्मी पहले इनकी ऐसे अनबॉक्सिंग कर दो, ऐसे करने पड़ेंगे। अरे देख ले, ये निकालने पड़ेंगे। तो गाइस, सारे लग गए हैं साइकिल को बनाने में, इंजीनियर। मम्मी ये निकालने क्या फॉर्म। गाइस ये हमसे होगी नहीं, तो ये नरेंद्र जी आके जोड़ देंगे इसको साइकिल को। तो गाइस, अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि किसने भेजी है और क्यों भेजी है। तो गाइस, ये भेजी है अंशु ने, यादवन की मौसी जी ने, क्योंकि यादवन का बर्थडे है 4 तारीख का, तो ये यादवन का गिफ्ट भेजा है अंशु ने अपने बेटे के लिए। तो चलो मौसी जी को थैंक यू बोल दो सभी। थैंक यू मौसी, इतना अच्छा गिफ्ट भेजा है मौसी जी ने। तो गाइस, ये आपको पूरी बना के फिर दिखाएंगे, तब तक के लिए रेस्ट करते हैं हम, और आप भी कर लो। अरे रुक जा। तो गाइस, अब दो कुल्फी वाले खड़े होने लगे, पहले एक खड़ा होता था यहाँ पे, अब दो खड़े होते हैं। और ये डाला खड़ा है, ये यादू है, जो ये मशीन लगी हुई है, ये आरओ मशीन है, ये डाल रहे हैं पानी, पता नहीं क्या क्या सिस्टम होते हैं इनके। और एक ये पौध है बाहर,
ये मोटर वगैरह लगी हुई है। क्या हो रहा है, क्यों करा है नू? है? क्या हो गया रहा है तेरी मम्मी का? तो गाइस कल एनिवर्सरी थी और हमने केक नहीं काटा, बिल्कुल ला बिड़ा रखा कुछ भी। तो निकल टाइम नहीं था, ये चले गए थे प्लांट पे रात को, बुकिंग आ गई थी, कोई ऑर्डर आ गया था। तो गाइस कोई बात नहीं, आज काट लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे किसका? एनिवर्सरी। तो गाइस आज है तनिष और वंश और यादवन के मौसा जी का बर्थडे। बोलो रे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो पंकज जी को बर्थडे केक खिला रहे हैं हम, ये हमने स्पेशल इसीलिए बचा के रख रखा था। खा ले वंशी। अरे रे रे, याद आ गया है वंश, ले लो भाई एक एक पीस। अच्छा मेरा खुद खुद काट की बैठी थी, उसमें रख दे प्लेट में रख दे। फूल दिया हमन तेरे ते, तेरे ते फूल नहीं काटे मिलेंगे। चाटे 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 साथ में काटे। एनिवर्सरी सीधा एनिवर्सरी गई तेल लेने। तेल नहीं दी जानी किसी। आज है बर्थडे। हां और कब फोन पे इसका बर्थडे मिलना। और डोस ले मेरे कभी थे। तो गाइस केक हमने खा लिया है और केक हो गया है आधा आधा फिनिश। तो रोज इसको हम थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। इतनी वंश डब्बा में ठीक रहोगा बेटा, फ्रिज में तो जम जाएगा वंश। अब ये बच्चे थोड़ा थोड़ा रोज। और गाइस मैं ये ऊपर की क्रीम नहीं खाती, मैं नीचे नीचे का खाती हूँ। ला बंद करांगे। तो गाइस वंश रख रहा है वापस केक को फ्रिज में। और गाइस ये देखो गाइस कितनी तेज आंधी तूफान आया है, ये देखो बहुत तेज आंधी आ रही है गाइस। और आज की आंधी बता भी रखी, आंधी और तूफान बहुत तेज बता रखा है। ये देखो और ये देखो गाइस आंगन का क्या हाल हो जाएगा सुबह तक, बहुत बुरा हाल हो जाएगा आंगन का, क्योंकि ये पेड़ हैं आसपास तो इनके बहुत ज्यादा पत्ते हो जाते हैं। ये देखो कितनी तेज आंधी। Thank you।